Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargava. Today I am going to tell you about one kind of relationship that exists and which generally is like these two kind of personalities are always seen together. So वो कौन सी दो personality traits के बारे में हम बात करने वाले हैं जिनका जो relationship होता है वो एक तरह का parasitic relationship होता है. क्या है ये parasitic relationship? पहली चीज़ पैरासाइट होते क्या है? पैरासाइट का मतलब होता है जब एक इंसान या एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए. तो जो इंसान दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट हो जाता है अपनी इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए वो नार्सिसिस्ट माना जाता है. सो जो पैरासिटिक रिलेशनशिप है वो नार्सिसिस्ट की जनरली एम्पैथ्स के साथ होती है, यानी ऐसे लोग जो बहुत दया दिखाते हैं, जो दूसरों को इमोशनली फीड करते हैं, जो दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं और किसी तरह भी दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं अपने आप को तकलीफ़ में रखकर. वो जानते हैं कि उनके साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, उनकी जो ऑफुलनेस है उस रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है. तो ये जो एम्पैथ्स हैं जिनके बारे में मैंने अभी बात करी वो ये लोग हैं जो हमेशा इस रिलेशनशिप में सफ़रर होते हैं, और जो नार्सिसिस्ट होते हैं ये हमेशा इसको एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं एम्पैथ को, और उससे जितनी भी इमोशनल नीड्स उसको पूरी करनी है वो करता है नार्सिसिस्ट. उस किसी भी इंसान को जब ये नार्सिसिस्ट देखते हैं तो ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, एज अ रिसोर्स देखते हैं, और जब नार्सिसिस्ट की पूरी नीड्स उस एम्पैथ से पूरी हो जाती है तो उसको छोड़कर वो दूसरे किसी और इंसान को अपने रिलेशनशिप के लिए ढूंढने लगते हैं. सो ये जो पैरासिटिक रिलेशनशिप जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ नार्सिसिस्ट एंड एम्पैथ्स के रिलेशनशिप के बारे में. इनकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. अगर आप कभी नोटिस करें तो एक ऐसा होगा जो हमेशा टॉर्चर करता रहेगा और दूसरा ऐसा होगा जो हमेशा सहता रहेगा, लेकिन वो उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आना चाहेगा. तो ऐसा क्यों है? क्या ये इस रिलेशनशिप का जो पैरासिटिक फॉर्म आ गया है क्या इसके लिए सिर्फ नार्सिसिस्ट जिम्मेदार है या फिर एम्पैथ्स भी जिम्मेदार हैं? आपको क्या लगता है? बेसिकली ये दोनों ही रेस्पॉन्सिबल हैं. हम सिर्फ नार्सिसिस्ट को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते बिकॉज उस रिलेशनशिप में रहने की जिम्मेदारी दोनों ने ली है. दोनों ही इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं. तो ऑब्वियसली कि एम्पैथ चाहे तो उस रिलेशनशिप को ब्रेक कर सकता है, बाउंड्री सेट कर सकता है, और वो कितना हेल्पफुल हो सकता है और कितनी हेल्प नहीं कर सकता वो भी बता सकता है. और अगर एम्पैथ ऐसा नहीं करता दैट मीन्स एम्पैथ itself is responsible for this kind of parasitic relationship which is more of a suffering. Now अब बात आती है कि ऐसा होता क्यों है, क्यों एम्पैथ हमेशा इस रिलेशनशिप में रहना चाहता है? ऐसा क्यों नहीं है कि एम्पैथ नार्सिसिस्ट से अपने रिलेशनशिप ब्रेक करे और जाके दूसरे किसी से रिलेशनशिप बनाए जो अलग इंसान है, जो उसको सपोर्ट कर सकता है, जो उसको अप्रिशिएट कर सकता है उसकी खुद की आइडेंटिटी की वजह से. इसके पीछे पास्ट है एक्चुअली. इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जिस वजह से एम्पैथ्स जनरली नार्सिसिस्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और नार्सिसिस्ट के साथ ही निभाना चाहते हैं. क्या है वो पास्ट? पास्ट है जब अगर आप एम्पैथ्स की लाइफ पास्ट हिस्ट्री देखें या चाइल्डहुड देखें तो आप जानेंगे कि ये बचपन में ऐसे माता पिता के साथ बड़े हुए हैं जो या तो खुद नार्सिसिस्ट रहे हैं, उनके पेरेंट्स खुद नार्सिसिस्ट रहे हैं, या उनके ऐसा केयर गिवर मिला है जिसने उस बच्चे की बचपन में इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं किया. और जब इस बच्चे की बचपन की नीड्स, इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो पाती, या ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो नार्सिसिस्ट होते हैं खुद, और उस बच्चे को जब वो इमोशनल नीड्स नहीं मिल पाती तो उसके माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि जब वो बड़ा होगा तो वो ज़रूर दूसरों में वो चीज़ ढूंढेगा और सबसे ज़्यादा उसको ये चीज़ और उनसे लेना चाहेगा जो इसी कैटेगरी के हैं, उसी टाइप के केयर गिवर जैसे ही हैं जैसे कि उनके पेरेंट्स या केयर गिवर हुआ करते थे, यानी कि नार्सिसिस्ट. तो जनरली होता क्या है कि जो एम्पैथ है जब वो बड़ा होता है या अपनी लाइफ हिस्ट्री में जब आगे बढ़ता है लाइफ में, तो जब भी उसको कोई नार्सिसिस्ट टकराता है उसकी लाइफ में वो उसकी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है. क्योंकि उसको मालूम है कि यही वही ये उसी का टारगेट है जिससे उसको वो सब कुछ चाहिए जो उसको बचपन में नहीं मिला, वही इमोशनल नीड्स, वही लव, वही केयर चाहिए। एंड ये एक मकसद बन जाता है एम्पैथ्स की लाइफ का कि उससे लेना है जो नहीं देता है। सो इस तरह की रिलेशनशिप इस वजह से डेवलप हो जाती है। सो चाहे कितना भी एम्पैथ सफ़र कर रहा हो, उसको पता है कि उसको यूज़ किया जा रहा है, नार्सिसिस्ट उसको बुरी तरह से यूज़ कर रहा है, हर चीज़ के लिए इमोशनल नीड से लेकर हर चीज़ देने के बावजूद भी उसको वो नहीं मिल रहा, तो ये ज़िद बढ़ती जाती है और एम्पैथ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता जाता है। बट आउटकम क्या होता है उसका? उसका आउटकम ये होता है कि नार्सिसिस्ट की जब नीड पूरी हो जाती है तो वो छोड़ के चला जाता है, या दूसरी चीज़ ये होती है कि ये इंसान डीमोरलाइज हो जाता है और सारे होप्स खो देता है, अपनी खुद का सेल्फ एस्टीम खो देता है, खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट खो देता है और एट लास्ट सफ़रर बन के रह जाता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि अगर कोई एम्पैथ और नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में है तो आइडेंटिफाई करना कि क्या ये जिसके साथ आप नार्सिसिस्ट जो है, क्या वो आपका गलत इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो आपके इमोशंस को नहीं समझता, हमेशा आपको डोमिनेटेड रहता है आपके ऊपर, उसका हमेशा हर एक एक्शन ऐसा रहता है कि वो कंट्रोलिंग है, आपको कंट्रोल करता है और इस तरह की टैक्टिक्स यूज़ करता है या ऐसे इमोशनल ड्रामा करता है कि आप बह जाते हो उसके इमोशनल ड्रामाज में। इस तरह की अगर आपको रिलेशनशिप दिखती है अपने पार्टनर में तो आप समझ जाए कि ये नार्सिसिस्ट है और आगे जाके आप सिर्फ हर चीज़ का श्रेय खुद ले रहा है। जैसे कि ये भी एक नार्सिसिस्ट की बहुत बड़ी पहचान होती है कि ये हर चीज़, छोटे से चीज़ को भी बहुत बड़ा करके बताएंगे अपने बारे में, हमेशा ग्रैंडियोसिटी की बात करेंगे कि भाई मैं, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं ही सबसे महान वाले एटीट्यूड रहेगा उनका। और मेलोड्रामास इनकी लाइफ में बहुत होंगे, ये इनको अगर कुछ बोल दिया जाए या इनको अटेंशन ना मिले, या अटेंशन सीकर्स होते हैं, इनको अटेंशन ना मिले तो ये उस बात का भी बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं। सो इस तरह के अगर आपको लोग मिले तो वो नार्सिसिस्ट होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम इनके साथ जो पार्टनर होगा वो एम्पैथ ही होता है, क्योंकि एम्पैथ को की नीड होती है कि वो उसमें वो निकाले जो उसको बचपन में नहीं मिला। सो फ्रेंड्स, इस तरह के रिलेशनशिप को हम पैरासिटिक रिलेशनशिप कहते हैं, जहाँ एक दे रहा होता है और एक लेता ही जाता है। सो आपको इस बात के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। सो अब एक और चीज़ जो बताना ज़रूरी है कि हम एम्पैथ को हील कैसे करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा गलती जो सह रहा होता है उसकी होती है, रादर जो उसके ऊपर टॉर्चर कर रहा होता है। तो सबसे पहली चीज़ उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं, जो मैंने राइट डाउन किए हैं मैं पढ़ दूं कि कौन कौन से आपको क्वेश्चंस करने हैं। स्पेशली काउंसलर्स के लिए ये है, अगर आपके पास एम्पैथ ऐसे आते हैं और आपसे ये बात करते हैं कि भाई यहाँ हमारी रिलेशनशिप ऐसी रही है और हमने ऐसा ऐसा सफ़र किया है, तो आप सबसे पहले उनसे ये पूछें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इमोशनल वॉइड वाज दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू फिल इन देयर रिलेशनशिप? मतलब क्या कमी है एम्पैथ की लाइफ में जो वो उस रिलेशनशिप में भरना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ वाज दैट एम्पैथ इज ट्राइंग टू गेन लव एंड अप्रूवल फ्रॉम हिज और हर पार्टनर? क्या, किस तरह से वो अपने पार्टनर से लव लेने की कोशिश कर रहा था? क्या उसकी अननेसेसरी इमोशनल नीड्स को पूरा करके? सो इस तरह के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो उनसे पूछ सकते हैं, विच फीलिंग्स विद इन देमसेल्व्स डू दे पुश अवे? ऐसी कौन सी फीलिंग है जिसको वो अपने लाइफ में आगे नहीं लाना चाहते और हमेशा उस फीलिंग को दबाते रहते हैं कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं है। मतलब एक डिक्लाइन का हमेशा एक्शन रहता है इनके अंदर, एम्पैथ्स के अंदर। वो उनके अंदर जो बचपन की वो डिस्कार्डेड वाली फीलिंग थी जो उनके पेरेंट्स की वजह से उसको आई थी, तो उस फीलिंग को वो हमेशा डाउन करना चाहता है। तो वो हर कोशिश करता है कि उसको नार्सिसिस्ट से प्यार चाहिए ही चाहिए, मर के हर ऐसी चीज़ करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, अपने जो बेसिक नेचर या ट्रेट है उससे उठकर काम करता है, ऑल बिकॉज उसको वो चीज़ चाहिए है, बिकॉज वो उसकी लाइफ में वॉइड है, कहीं मिस हो गया बचपन में, एंड वो ज़िद पकड़ लेता है कि उसको ये चीज़ चाहिए है और इस रीज़न से वो अपने आप को डिटीरियोरेट करता जाता है। उसको पता भी नहीं चलता कि वो भी नहीं रहा जो वो था रिलेशनशिप से पहले। सो ये बहुत ज़रूरी है उसको समझाना कि कौन सी फीलिंग ऐसी है जो उसको दबाना चाहता है, जो वो फील नहीं करना चाहता, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ हुई थी, एंड हुई थी तो एक्सेप्ट इट, ठीक है मेरे साथ ऐसी हुई थी, बट इट डजंट मीन कि मैं उसके पीछे अब भी भागूं और उन्हीं लोगों से मैं लेने की कोशिश करूं जो देते ही नहीं है कभी, क्योंकि उनका तो बेसिक ट्रेट है नहीं देना। हाउ वुड दे डू इट? नहीं करेंगे। जैसे आप नहीं बदल सकते वैसे वो भी नहीं बदल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं, वेयर डू फीलिंग्स ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेम फ्रॉम? ये जो फीलिंग्स उनके अंदर आती है कि भाई हमें नार्सिसिस्ट से ही मोहब्बत प्यार चाहिए है, तो क्यों आती है? क्या उनके पास से इस चीज़ का कोई रिलेशन है? क्या उनकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान था जिसकी हमेशा वो डिज़ायर करते थे कि इस इंसान से मुझे चाहिए? स्पेशली पेरेंट्स ही होते हैं बचपन में, या केयर गिवर होते हैं, दादी नाना नानी, कुछ भी हो सकता है। आप अगर देखें तो इंडियन कल्चर के हिसाब से, इंडियन कल्चर में जहाँ मेल डोमिनेटिंग फैमिली है, जहाँ पे लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जहाँ लड़कियाँ डिस्कार्डेड हो जाती हैं, ऐसी लड़कियाँ जनरली एम्पैथ हो जाती हैं। वो अपनी रिलेशनशिप में सफ़र करती रहती हैं, ऑल बिकॉज उन्होंने देखा होता है कि दादा दादी ने उन्हें कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, हमेशा उनके भाई को इंपॉर्टेंस दी है। तो वो आगे जाके क्या करती हैं, ऐसे पार्टनर्स ढूंढने लगती हैं जो इसी तरह के हैं, जो उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते लेकिन वो उनसे इम्पोर्टेंस गेन करना चाहती हैं। सो इस तरह की रिलेशनशिप देखने के लिए हमें बहुत बहुत कॉमनली मिलती है। तो लड़कियों को, स्पेशली गर्ल्स जो इस तरह की चीज़ें देखती हैं, उनको ये समझना है कि जब वो, उनको ये लगता है कि भाई हमारी लाइफ में हम जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, अगर वो इंसान हमें वो नहीं देता जो हम हैं, हमें वो नहीं मेंटेन रहने देता जो हम रहना चाहते हैं, हमारे खुद की आइडेंटिटी से हमें अलग करना चाहता है, हमें उस चीज़ के लिए पुश करता है जो हम हैं नहीं और हम करना नहीं चाहते, तो आप समझ जाएं कि यू वुड नेवर बी हैप्पी विद सच काइंड ऑफ पार्टनर। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पैरासिटिक रिलेशनशिप बिटवीन एम्पैथ्स एंड नार्सिसिस्ट। आई होप आपको समझ आया होगा कि नार्सिसिस्ट कौन होते हैं और एम्पैथ्स कौन होते हैं, और कैसे इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है उसमें दोनों कैसे जिम्मेदार हैं, और इसको क्योर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये मैंने बताया। सो एक और चीज़, लास्ट पॉइंट जो सबके लिए एप्लीकेबल है, नॉट ओनली एम्पैथ्स बट एवरीवन, हमेशा अपने अंदर आप सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप करें। यानी आप कौन है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज़ योर पर्पस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ऐसा करेंगे तब जाके आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहेंगे। सो रादर डिपेंडिंग ऑन अदर पीपल टू अप्रिशिएट यू, टू से व्हाट यू वांट देम टू से, यू से टू योरसेल्फ। क्या कहना है खुद को कहना है, मैं तो ग्रेट हूँ और आई कैन डू एवरीथिंग एंड आई कैन फिल माई पर्पस बाय माई सेल्फ, आई कैन रीच टू माई पर्पस बाय माई सेल्फ, आई डोंट नीड एनी वन फॉर दैट पर्पस। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और मज़ा आया होगा सुनकर। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो मुझे मैसेज करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।